सुबह सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से लोग दहशत में आ गए हैं। बुधवार की सुबह बीच चौराहे पर एक युवक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मुजफ्फरपुर के मीठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग इलाके की है। बीच चौराहे पर हुई हत्या के बाद अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया। गोली लगने के बाद घटना स्थल पर ही युवक की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। घटना से आक्रोशित हुए लोग दुकानों को बंद करवाने लगे, सड़क को जाम कर आगजनी कर प्रदर्शन करने लगे। घटना की सूचना मिलते ही मीठनपुरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों को समझाकर मामले को शांत कराने का प्रयास किया। ऐसे में उग्र भीड़ सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी टाउन भी घटना स्थल पर पहुंचे। परिजनों को समझाते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या कर दिया गया उसका जी। कितने बजे? 6:44। क्या करते थे? कैसे क्या सूचना मिली थी आप लोगों को? हम तो सोए हुए थे, हमारे पार्षद ने फोन किया जी, तब हम वहाँ पहुँचे घटना स्थल जी। कहाँ पर घटी थी घटना? ये पुरनका कब्रस्तान है रामबाग रोड में, वहीं पर हुआ है, थोड़ा सा आगे कब्रस्तान से 20 कदम आगे जी। किसी से उनका विवाद चल रहा था क्या? उसके बारे में तो हमको पता नहीं है, लेकिन उनके दोस्त यार से पूछा जाएगा जी, वही बताएंगे क्या मामला है। साजिश तो रहते हैं अभी फिलहाल, हम कुछ नहीं बता सकते। साजिश रहते हैं? साजिश रहते हैं। हाँ, साजिश। कितने बच्चे हैं? एक बेटी है। एक बेटी। मृतक युवक की पहचान अफरोज के रूप में की गई है। वो मीठनपुरा थाना क्षेत्र के रामराजी मोहल्ले का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि चौक पर ही उसकी मटन की दुकान है। अफरोज और उसका भाई यहाँ बैठते थे। बुधवार की सुबह अफरोज दुकान पर जा रहा था, इसी दौरान अज्ञात बाइक सवार बदमाश पहुँचे और गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक अफरोज को 2 गोलियां लगी है। घटना के बाद से पुलिस कार्यवाही में जुट गई है। अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। रामबाग चौक के पास एक लड़की की बहुत बड़ी लग गई है। सूचना पाए तो पास पता चला कि इसका नाम है अफरोज, एक तुरसी नाम है, क्योंकि इसका मटन सब जी अच्छा था। आक्रोशित लोग सड़क जाम कर रहे हैं, जाम सब तो नहीं है। इस संबंध में मीठनपुरा थाना प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि घटना को अज्ञात बदमाशों ने अंजाम दिया है, उनकी तलाश की जा रही है। परिजनों के बयान पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।